हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 16 वाटर ए प्रीसियस रिसोर्सेज क्लास 7 साइंस। तो आज जो है हम लोग इस चैप्टर के जो है कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है कीवर्ड्स को देख लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला कीवर्ड है एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल। मतलब वाटर टेबल के नीचे जो रॉक्स होती हैं उनके बीच में क्या हो जाता है? ग्राउंड वाटर जो है स्टोर हो जाता है। दिस इज नोन एज एक्वीफर और इसी को हम लोग एक्वीफर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कीवर्ड ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन इज ए टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाई मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग। मतलब ड्रिप इरीगेशन जो है इस तरह की टेक्निक है जिसमें जो है प्लांट को पानी जो है एक नैरो ट्यूब्स के द्वारा दिया जाता है, विच डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। और ये जो वाटर है वो प्लांट के डायरेक्टली जो है रूट्स के पास मतलब बेस में पहुंचता है, जिससे कि इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है। फिर थर्ड की वर्ड है ग्राउंड वाटर। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज ग्राउंड वाटर। अब जो वाटर जो है वाटर टेबल के जो नीचे वाटर पाया जाता है उसको हम लोग जो है ग्राउंड वाटर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। मतलब पानी का धीरे धीरे से रिस्क नीचे जाना, ग्राउंड में जाना, उसको हम लोग क्या कह लेते हैं? इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। उसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। जो हमारा जो रेन वाटर होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। रिचार्ज मतलब फिर से जो है ग्राउंड वाटर में पानी भर जाए, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। दिस इज़ रिफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग। और इस तरह से जो है वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वाटर को हम लोग जो है बचाते हैं, वेस्ट होने से बचाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर टेबल। ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉयल। हमारी जितने भी सॉयल के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैप्स होते हैं बिटवीन द रॉक्स आर फिल्ड विथ वाटर। उसमें जो है मतलब इनफिल्ट्रेशन या सीपिंग के द्वारा जो है पानी क्या हो जाता है? भर जाता है। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। और इसकी जो ऊपरी जो लेयर होती है जहाँ पे मतलब रॉक्स में सॉयल के बीच बीच में जो गैप्स हैं उसमें जो पानी भर जाता है और उसकी जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर टेबल कहते हैं। तो इस तरह से अभी हमने जो है सारे कीवर्ड आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। मतलब ग्राउंड वाटर को हम लोग किस तरह से रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज जैसे हमने बताया, जैसे ग्राउंड वाटर जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है तो उसमें पानी दोबारा किस तरह से आए, मतलब वो दोबारा पानी उसमें किस तरह से आए, जिसको बोलते हैं रिचार्ज करना। तो अब इसका आंसर देखते हैं। द ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। अभी जैसे पहले हमने बताया इनफिल्ट्रेशन आपको कि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज किसके द्वारा होता है? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब वाटर का लेक से, रिवर से और रेन वाटर से धीरे धीरे नीचे रिसके जाना, उसको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। द ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज, तो इसके द्वारा इनफिल्ट्रेशन के द्वारा क्या होता है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, मतलब उसमें फिर से पानी आ जाता है। इनफिल्ट्रेशन मीन्स सीपिंग ऑफ वाटर। अब इनफिल्ट्रेशन का यहाँ मतलब अभी हमने पीछे भी बताया था आपको कीवर्ड्स में, तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है सीपिंग। सीपिंग मतलब धीरे धीरे रिस के नीचे जाना, उसको बोलते हैं सीपिंग। इनफिल्ट्रेशन मीन्स सीपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स लेक्स इनटू द एम्प्टी स्पेस ऑफ क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड के बिल्कुल नीचे जो क्रैक्स वगैरह होते हैं उसमें जो है रिवर्स के द्वारा, लेक्स के द्वारा जो खाली जगह होती है उसमें जो पानी सीप होके धीरे धीरे जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन ए लेन ऑफ 50 हाउस। एक लेन है 50 हाउस की, वहाँ पे क्या है? 10 ट्यूबवेल्स हैं। वॉट कुड बी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल। तो अब जो वाटर टेबल में जो है लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है द इफेक्ट ऑन द वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। मतलब कह रहा है कि जो हमारा वाटर टेबल जो इफेक्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि जो हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर के रिप्लेनिशमेंट मतलब वो उसका जो है रिप्लेनिशमेंट मतलब दोबारा से वो रिचार्ज
डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कह रहा है ओनली 5 फैमिलीज विल शेयर ए ट्यूबवेल। अभी ऊपर बताया कि कितने ट्यूबवेल्स हैं, 10 ट्यूबवेल्स हैं, और फैमिलीज कितनी हैं, यहाँ पे फैमिलीज हमारी कितनी हैं, 50 फैमिली हैं। तो एक जो ट्यूबवेल है उसको जो है कितनी फैमिली शेयर करेंगी, 5 फैमिली, क्योंकि 50 फैमिली हैं और 10 ट्यूबवेल्स हैं, तो जो है एक ट्यूबवेल्स को केवल 5 फैमिलीज जो है शेयर करेंगी। द वाटर यूज फॉर डेली डोमेस्टिक पर्पस, और एक मतलब फैमिली के द्वारा जो डेली डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो पानी यूज़ होता है विल नॉट इफेक्ट द वाटर टेबल, उससे वाटर टेबल इफेक्ट नहीं होगा। बट इफ देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ रेन, लेकिन अगर उसमें जो है रेन की मतलब रेन ना हो, बारिश ना हो, और मतलब शॉर्टेज हो जाए रेन की, द वाटर यूज बाय द फैमिली विल नॉट रिप्लेनिश्ड एंड वाटर टेबल विल फॉल डाउन। तो क्या होगा, जब रेन नहीं होगी तो वाटर यूज बाय फैमिली विल नॉट रिप्लेनिश्ड, तो जो फैमिलीज जो वाटर तो फैमिलीज यूज़ कर रही हैं, लेकिन जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें जो पानी जो है रिप्लेनिश्ड नहीं हो रहा है, मतलब उसमें दोबारा से फिल नहीं हो रहा है, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वाटर जो रेन वाटर है उसकी कमी हो गई है। फिर उससे क्या होगा, जो फैमिलीज को जो है पानी पूरा नहीं पड़ पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन, आपको जो है एक गार्डन को मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर, तो आप गार्डन का यूज़ करने के लिए पानी को किस मतलब पानी को कितना कम से कम यूज़ करेंगे। अब हमारे जो इस फोर्थ क्वेश्चन का जो है आंसर देख लेते हैं, टू मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ वाटर वी विल यूज़, मतलब पानी के वेस्ट को जो है कम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द ड्रिप एरीगेशन, हम किसका यूज़ करेंगे, किस सिस्टम का, ड्रिप एरीगेशन, ये हम लोगों ने जो है पढ़ रखा है, विच थ्रू द वाटर एट द बेस ऑफ द प्लांट। अब ड्रिप एरीगेशन में क्या होता है, प्लांट को जो पानी है बिल्कुल बेस से दिया जाता है, मतलब पानी बगैर वेस्ट किए हुए जहाँ पे मतलब उसकी रूट्स में जो पानी मिलना चाहिए, तो ड्रिप एरीगेशन के द्वारा पानी बिल्कुल उसके बेस में दिया जाता है। वी विल चेक द लीकेज इन द वाटर, और इसके बाद जो पानी हम दे रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि जो पाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है उसमें किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए, एंड अरेंज स्मॉल पिट्स, और हमको जो है वहाँ पे छोटे छोटे पिट्स भी अरेंज करने चाहिए फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें कि हम रेन वाटर को हार्वेस्टिंग मतलब इकट्ठा करके रखें। द कलेक्टेड रेन वाटर विल बी यूज लेटर, और ये जो हम हार्वेस्ट करके रखेंगे, जो इकट्ठा करके रेन वाटर को रखेंगे, वो हम जब जिस समय रेन कम होगी या नहीं होगी तो इस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम पानी का कम से कम यूज़ करके जो है गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। डिप्लीशन मतलब किसी भी चीज़ की कमी होना, मतलब जो वाटर टेबल में जो पानी कम हो जाता है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स हैं जो कि वाटर टेबल को इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे कि उस वाटर टेबल में वाटर कम हो जाता है, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना। डिमांड ऑफ वाटर हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, जैसे ही जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उसी तरह से वाटर की डिमांड भी बढ़ जाती है। एज द नंबर ऑफ ह्यूमन इंक्रीज, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही नंबर जो है ह्यूमन का बढ़ता है वो जो है पानी का भी यूज़ ज़्यादा करते हैं, द कंजम्पशन ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज, और इससे क्या होता है वाटर टेबल जो है इफेक्ट होती है, मतलब उसमें डिप्लीशन होता है। फिर अब इसका सेकेंड है हमारा पॉइंट, इंक्रीज इंडस्ट्रीज। अब इंक्रीज इंडस्ट्रीज होने से क्या होगा, कैसे मतलब जो है वो डिप्लीशन होगा उसमें वाटर टेबल का, जितनी भी किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज हो आप देखेंगे उसमें पानी का यूज़ ज़रूर होता है। ऑल द इंडस्ट्रीज नीड वाटर, मतलब सभी इंडस्ट्रियाँ जो हैं उसमें पानी का यूज़ होता है। एज द नंबर ऑफ ह्यूमन इंक्रीज, जैसे जैसे पहले हमने बताया कि जब इंक्रीज्ड पॉपुलेशन होगी तो नंबर ऑफ़ ह्यूमन्स भी बढ़ जाएंगे, तो एज द नंबर ऑफ़ ह्यूमन इंक्रीज, जब लोग बढ़ जाते हैं द नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज आल्सो
इंक्रीज तो क्या होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार चाहिए होता है करने को, तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ती हैं विच डेफिनेटली इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वाटर, और जिससे कि अब इंक्रीज ह्यूमन बढ़ गए तो क्या होगा, हमारा जो है इंडस्ट्रीज वगैरह भी बढ़ गई और वाटर का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। अब थर्ड है लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। अब जो है वाटर का यूज़ तो जो है बढ़ जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन अब पानी का जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम कितने जो है सावधानी से करें, मतलब पानी को बर्बाद ना करें। प्लीशन वाटर टेबल का इस कारण भी होता है कि लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, मतलब वाटर को जो बचाने की टेक्निक है अगर वो लैक हो जाए, मतलब उसमें कमी हो जाए, लोग वाटर को ना मतलब अच्छे से यूज़ ना करें, समझदारी से यूज़ ना करें, तो भी जो है हमारी वाटर टेबल जो है वो डिप्लेनिस हो जाती है। तो अब देखेंगे द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड फॉर अंडरग्राउंड वाटर इज रेन। अब जो मेन सोर्स है वाटर, जो हमारी अर्थ में वाटर है और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसका मेन सोर्स क्या है, रेन है। द वाटर फॉर द रेन इफ़ कंजर्व्ड कैन इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। अगर रेन वाटर को हम क्या करें, कंजर्व करें मतलब बचा लें, तो हमारा क्या होगा, हमारी ग्राउंड वाटर लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। बट दिस नॉट डन ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। बट दिस नॉट डन, लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर हम इस कंजर्वेशन टेक्निक को ना करें जो है, तो हमारा क्या होगा, लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक से क्या होगा, हमारी जो वाटर टेबल है उसमें वाटर की कमी हो जाएगी। तो अभी तीन फैक्टर्स हमने देख लिए, अब हम लोग फोर्थ जो है वो देखते हैं। फोर्थ वाला है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है किस तरह से होगा, इंडिया इज़ ए कंट्री विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया जो है एक इस तरह की कंट्री है जो कि किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। द लैंड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन हैज़ इंक्रीज्ड। अब जो है ये जो इंडिया जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है कल्टीवेशन के लिए। सो द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज। और जब ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर खेती होगी तो पानी भी ज़्यादा ज्यादा यूज होगा। इररेगुलर रेनफॉल हैज इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब अगर जो हमारी रेनफॉल है वो इररेगुलर हो, मतलब ठीक से ना हो, उस कम हो, हैज इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो क्या होगा, अब रेन वाटर जब रेन नहीं होगी तो जो ग्राउंड में वाटर है उसका कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा एग्रीकल्चर में, मतलब ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे। दिस हैज इंक्रीज द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब जब ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी लिया जाएगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी लेने से जो ग्राउंड वाटर में पानी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस हैज इंक्रीज द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे कि ग्राउंड वाटर में जो है पानी की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से अभी हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, कीवर्ड भी मैंने आपके साथ जो है इसके डिस्कस कर लिए हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।